नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीपीएससी स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज महत्वपूर्ण कंटेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जिलाधीश कलेक्टर महोदय के बारे में आपको आज महत्वपूर्ण जानकारियां बताने जा रहा हूं मैं, जो सभी प्रतिभागियों के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टर महोदय, जिलाधीश, भारत में सर्वप्रथम 1772 में बंगाल में वारन हेस्टिंग ने कलेक्टर के पद का सृजन किया। 1786 में कलेक्टर को राजस्व एकत्रण की महत्वपूर्ण इकाई माना गया तथा इसे अनेक अधिकारों से युक्त किया गया। नेक्स्ट 1787 में उसे राजस्व एकत्र करने का साथ के साथ साथ दंड नायक की शक्तियां अपराध नियंत्रण हेतु प्रदान की गई। 1793 में कार्नवालिस ने राजस्व तथा न्यायिक शक्तियों को पृथक करने का प्रयास किया, किंतु 1812 में मैकेंजी ने पुनः इसे असीम शक्तियां प्रदान कर दी। तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्टर जिलाधीश महोदय का। जिले के लिए किए जाने वाले कार्यों को निम्न भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। नंबर एक, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सभी विभागों को नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण प्रदान कलेक्टर का कार्य होता है। राजस्व अधिकारी के रूप में राजस्व की दरों का निर्धारण, राजस्व पूरी मात्रा में निर्धारित समय में एकत्रित करने का कार्य भी अति महत्वपूर्ण होता है। जिला दंडनायक कलेक्टर जिला दंडनायक के रूप में अनेक कार्य जिले के में शांति, सुरक्षा, एकता, सद्भाव तथा व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना, सांप्रदायिक दंगों, राजनीतिक आंदोलनों, उग्र प्रदर्शनों, उग्रवादी गतिविधियों तथा जाति संबंधी इत्यादि पर नियंत्रण रखना, विकास अधिकारी के रूप में भारत में विकास प्रशासन का महत्व बढ़ा और उसी के अनुरूप जिला कलेक्टर की विकास अधिकारी के रूप में भूमिका बढ़ी है। जिला कलेक्टर जिला स्तर पर एक प्रमुख समन्वयक के रूप में कार्य करता है। तो ये थी जिला प्रमुख कलेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक थी। दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह पॉइंट ऑफ व्यू क्लास छोटी सी अभी समाप्त होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।